आज हम देखेंगे ईरान का वाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम वेस्टर्नाइजेशन भी कहते हैं, जहां फीमेल्स अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती थी, वहां से लेके इस्लामाइजेशन तक का इनकलाब कैसे आया, जहां रेक्स एनिमा को 420 लोगों समेत आग लगाकर जला दिया गया। ईरान में मासा अमीनी को मोरल पुलिस ने इतना मारा कि 3 दिन बाद वो जान से हाथ धो बैठी। आखिर क्या हुआ कि सेक्युलर रजा शाह को मुल्क से भागना पड़ा? और हमेशा कहा जाता है कि ईरान ही हमेशा कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है। आज हम इन सारे क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो कहानी शुरू होती है 1963 के वाइट रेवोल्यूशन से। शाह महमूद पहलवी की हुकूमत थी, बादशाही निज़ाम था, इनिशियली खुशहाली थी, अमीरों से गरीबों में ज़मीनें दी जा रही थी, औरतों को हकूक हासिल थे, पब्लिक ऑफिसर भी बन सकती थी, इवन दो जज भी बन सकती थी, एजुकेशनली अपलिफ्ट किया जा रहा था, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लेके आए जा रहे थे। लेकिन क्या वजह हुई जिसने रजीम चेंज एक आतिश फिशां के लिए एक चिंगारी का काम किया? लोग इस सिस्टम से बेजार हो चुके थे, नफरत करने शुरू हो गए थे, क्योंकि ये सिस्टम अल्टीमेटली रिच और एलीट क्लास को ही सिर्फ बेनिफिट पहुंचा रहा था। सेकुलराइजेशन इतना ज़्यादा था, वेस्टर्नाइजेशन नॉर्मल कल्चर में मर्ज हो चुका था, पॉलिटिकल रिप्रेशन था, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, और जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था, ईरान की अपनी पुलिस या इसको शाह की पुलिस भी कहें, सवैक के नाम से जानी जाती थी, वो उन तमाम आवाज़ों को दबाने का काम करती थी। इसके साथ साथ फॉरेन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि एंग्लो ऑयल कंपनी, उसने 50% शेयर्स ब्रिटिश को दे रखे थे। अब ऑयल इंडस्ट्री में लेबर वर्कर्स के दरमियान ये बातचीत होने लगी कि ऑयल हमारा है, रिसोर्स हमारा है, मगर पैसा कोई और लेकर जा रहा है। तो उन्होंने ऑयल को नेशनलाइज करने की बात की, जिसकी क्यादत मोहम्मद मुसद्दक ने की। इस तहरीक की परवान इतनी तेज़ी से हुई कि लोग जुनूनी हो गए, पागल हो गए। अब कहने लगी कि हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसको कत्ल कर देंगे। हत्ता कि पीएम हाजी अली को कत्ल भी कर दिया गया। अब इस दंगा फसाद की वजह से ईरान पार्लियामेंट ने 15 मार्च को ऑयल नेशनलाइज करने का हुक्म भी जारी कर दिया। मोहम्मद मुसद्दक सियासी वाबस्तगी भी रखते थे, साथ फेम भी मिला, तो इस वजह से उन्हें नया प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया। अब ये बात ब्रिटिश को हजम नहीं हो रही थी, उनके मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स जो थे वो अफेक्ट हो चुके थे, उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी थी, उनकी इक्विटी खत्म होने की वजह से। ब्रिटिश ने इस चीज़ का बदला लेना था, और यूएस से कॉन्टीन्यूसली रबते में रहने के बाद उन्होंने CIA और M16 के जरिए से एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसका नाम था एजिक्स ऑपरेशन। एजिक्स ऑपरेशन कम्प्लीटली फेल हो चुका था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एमरजेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया, जिससे ईरान में दंगा फसाद मचाया। दंगा फसाद इस हद तक के ईरान का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बिल आखिर डॉक्टर मुसद्दक की हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया और रजा शाह पहलवी की हुकूमत फिर से वापस आ गई। फिर से वही सख्तियाँ, फिर से वही ऑपरेशन, फिर से वही अथॉरिटेरियनिज्म। लेकिन इस दफा जो एंग्लो ऑयल कंपनी इंडस्ट्री है, उसके शेयर्स यूके और यूएस के पास जा चुके थे। और कहानी की दूसरी तरफ आयतुल्ला खुमैनी, जो कि करंट सुप्रीम लीडर है, उनको 1963 में अरेस्ट कर लिया गया। 1964 में उनको एग्जाइल करके मुख्तलिफ कंट्रीज में भेजा गया। फिर उसके बाद बिल आखिर इराक के इलाके नजफ में कच्चे मकान में ये रहने लगे। साथ साथ इनकी इस्लामिक प्रीचिंग का काम जारी था, लेकिन आप मिडिल ईस्ट में ऐसे हालात बनते जा रहे थे जिससे लेटर ऑन ये शाह पहलवी का तख्ता उल्टाएंगे। एक तो ईरान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को तबाह करने पर मुस्लिम कम्युनिटी और साथ ही कम्युनिस्ट कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और साथ ही साथ लबनान में फलस्तीनी मुस्लिम कम्युनिटीज़, क्रिश्चियन और साथ माइनॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी, तो इसराइल उन पर अक्सर हमला करता था। तो वहाँ भी यासीन अरफात ने PLO की बुनियाद रखी, जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, और फलस्तीनी और मुख्तलिफ ममालिक के लोग वहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेते थे और वापस जाकर इसराइल से लड़ते थे, और फिर दोबारा इसराइल उन पर टैंक लेकर चढ़ दौड़ता था। तो यासीन अरफात भी अमेरिका और इसराइल की जो पावर और कंट्रोल और इन्फ्लुएंस था, उससे बहुत ज़्यादा तंग पड़ा हुआ था। तो यासीन अरफात ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए आयतुल्ला खुमैनी को एक पैगाम भेजा, जिसमें कहा गया कि आप फलस्तीन कॉज का साथ दें, जिसको आयतुल्ला खुमैनी ने
हुसैन कहा। अब आयतुल्ला खुमैनी और यासीन अरफात की भी मुलाकातें होने लगी। साथ ही साथ जो ईरान में कम्युनिस्ट और मुस्लिम रिवाइवलिस्ट थे उनकी भी मुलाकातें होने लगी। इन तमाम चीज़ों को इराक के सदर सदाम हुसैन बड़ी बारीक बीनी से देख रहे थे। एक दिन उन्होंने रजा शाह को कॉल घुमाई और जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि ईरान में टेंशन इतनी ज़्यादा थी, कन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा हो गए, तो जस्ट फॉर्मेलिटी कम्प्लीट करने के लिए उन्होंने रजा शाह को कॉल की कि आयतुल्ला खुमैनी बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर रहा है, तो कहें तो इसका काम तमाम कर दें। फिर रजा शाह ने कॉल को होल्ड किया और अपने अकाबरीन से मशवरा किया, फिर कॉल उठाई और कहते हैं कि ये 72 साल बूढ़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो सद्दाम हुसैन ने अपना इरादा मुनक़ता कर दिया। लेकिन अब आयतुल्ला खुमैनी को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इराक में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तो उन्होंने मशवरा करके फ्रांस के एक दूर के इलाके में रिहाइश रख ली, वहाँ मूव हो गए। अब आपने देखा भी होगा कि एक दरख्त के नीचे बैठकर वो इस्लाम की प्रीचिंग कर रहे होते हैं। फ्रांस में जाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि मीडिया की कवरेज उनको मिली और वहाँ आयतुल्ला खुमैनी ने तमाम तर बयानात सामने रखे कि ईरान में कैसे ऑपरेशन हो रहा है, कैसे लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, जिससे आयतुल्ला खुमैनी को और ज़्यादा फेम मिला और फैंस इनके बढ़े। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि आयतुल्ला खुमैनी जब ईरान में वापस आते हैं तो एक बड़ा मजमा उनका पुरतबाग इस्तकबाल करता है। ये कैसे होता है? होता क्या है कि इनकलाबी, चाहे वो कम्युनिस्ट हों या मुस्लिम हों, जब वो आयतुल्ला खुमैनी से इराक में मिलने जाते थे और वो आयतुल्ला उनसे खिताब करते थे, तो वो तमाम चीज़ों को एक कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया करते थे और वो इनकलाबी वापस ईरान में आकर उन कैसेटों को बेचा करते थे। इस तरह वक्त के साथ साथ इनके आयतुल्ला खुमैनी के मानने वाले बढ़ गए थे। अब आयतुल्ला खुमैनी की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद उनके रास्ते में कई रुकावटें थी। आर्मी में और इंतजामिया में सेकुलर किस्म के लोग मौजूद थे। अब आयतुल्ला खुमैनी के जो आर्मी में दोस्त थे उनके ज़रिए से उन्होंने तमाम लोगों को, चाहे वो आर्मी में हों इंतजामिया में हों, उन तमाम लोगों को कत्ल करवा दिया और अपना रास्ता साफ कर दिया। अब इसी के साथ ही प्रेसिडेंट इमाम मूसा, जो कि तमाम कम्युनिटीज़ को हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को, वो अचानक से गायब हो जाते हैं। अब रजा शाह पहलवी परेशान होता है, इंतज़ार करता है कि कब वो वापस आएगा, चीज़ों को हैंडल आउट करेगा, क्योंकि कन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा हो गए थे कि हालात ने काबू से बाहर हो चुके थे कि रजा शाह पहलवी को बेशक वकीशन का कहा लेकिन हुकूमत छोड़ कर जाना पड़ा। उन्होंने अल्टरनेटिव में दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी लगा दिया था। आयतुल्ला खुमैनी का रास्ता साफ हो चुका था। आयतुल्ला खुमैनी ईरान वापस आए और साथ ही यासिर अरफात भी उनसे मुलाकात करने के लिए। यासिर अरफात ने आयतुल्ला खुमैनी को बोसा दिया और कहा कि फतह हमारी हुई। उन्होंने इसी जोश में खिताब किया। खिताब के जवाब में तमाम लोगों ने नारे लगाए कि ईरान में इनकलाब आया, इसके बाद फलस्तीन में आएगा। अब ईरान में आते ही आयतुल्ला खुमैनी ने विलायतुल फकी सिस्टम लॉन्च कर दिया, जिसमें इस्लामिक जूरिस्ट की गार्डियनशिप होती थी और पूरे सिस्टम में एक तो शरिया का कानून नाफिज कर दिया, दूसरे नंबर पे जो आर्मी पहले डायरेक्ट काम करती थी उसको इनडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि आयतुल्ला खुमैनी अब आर्मी पे ट्रस्ट नहीं करते थे, तो अब उन्होंने इनडायरेक्ट कर दिया। उसके साथ उन्होंने अपनी एक और आर्मी बना ली। इसके साथ इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे एक मोरल पॉलिस बनाई, कोई भी सिविल सोसाइटी में शरिया के खिलाफ जाता है तो उसको रिपरकशंस का, सजा का सामना करना पड़ता है, फाइंस भी हो सकते हैं और अरेस्ट वगैरह डिटेंशन सेंटर में भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस था पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का, वो सेम रहा डेमोक्रेसी के जरिए से। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आयतुल्ला ने अपने आप को सुप्रीम लीडर बनाया, यानी कोई भी अगर चीज़ इनको मुनासिब नहीं लगती, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो सिस्टम में इम्प्लीमेंट हुई है, वो फौरन उसको कैंसिल कर सकते हैं। इवन दो जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो आयतुल्ला खुमैनी को पसंद नहीं आया तो आयतुल्ला खुमैनी ने उसको कैंसिल कर दिया और एक नया आइन अपनी तरफ से बनाया गया। अब एजुकेशनल सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे सेकुलर सिस्टम और सेकुलर उसाज़ा और सिलेबस वहाँ पर मौजूद था, तो उन तमाम चीज़ों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हटा दिया गया और रिलीजियस तालीमात वहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई। साथ ही साथ अब सिनेमा से भी नफरत होनी शुरू हो गई थी, इसी वजह से रेड सिनेमा जिसमें 420 लोग
बताए जाते हैं कि वहाँ में मौजूद थे, तो उनको आग लगाकर जला दिया गया। सेकुलरिज्म से नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि रजा शाह को मुख्तलिफ ममालिक में छुपना पड़ा, पनाह लेनी पड़ी, पहले इजिप्ट में, मोरक्को में, भूटान में, फिर अमेरिका में। जब लोगों को पता चला कि रजा शाह अमेरिका में छुपा है, वहाँ पर पनाह ली है या अमेरिका ने उसको पनाह दी है, तो लोगों ने जो ईरान में अमेरिका का सफारती खाना था उसका घिराव कर लिया, उसका मुहासरा कर लिया। अब 52 अमेरिकन अंदर मौजूद थे और 44 दिन के लिए, 44 डेज के लिए उसका मुहासरा किया गया, लोगों को नज़रबंद रखा गया। अभी इस पे अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो नाराज़ हुई, तैश में आई। नेगोशिएशन तो होगी 44 दिन बाद, लेकिन यूएस ने ईरान पर कई सेंक्शन लगा दिए जिसका ईरान आज भी खमियाजे भुगत रहा है। ईरान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 87 मिलियन के करीब है, जिसमें से 85 मिलियन शिया कम्युनिटी से हैं, और तमाम के तमाम अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से और उनकी कंस्पिरेसीज की वजह से तमाम लोग अमेरिकन से प्लस इसराइली से नफरत करते हैं। सच तो ये है कि आज भी अमेरिका की पूरी कोशिश है कि जब भी जहाँ भी मौका मिले ईरान में सेकुलरिज्म सिस्टम कायम करें। इसलिए आज भी रजा शाह के ज़रिए से मोनार्क डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। इसी के साथ रिसेंटली जो अभी वाक़ हुआ सितंबर 13, 2022 में, जहां पे मासा अमीनी को मॉरल पुलिस की तरफ से वैन में ले जाया गया, वहां मारा गया, फिर उसके बाद डिटेंशन सेंटर भी लेके जाया गया और वहाँ पर वो कोमे में गई, जिसके 3 दिन बाद वो इंतकाल कर गई। अब इस चीज़ को सेकुलरिज्म सिस्टम ने इतनी हवा दी कि औरतों ने अपने हिजाब जलाए, अपने बाल काटे और उसके अलावा डेथ टू डिक्टेटर के नारे भी लगाए। अब ईरान की जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट की बात रही, तो अमेरिका की और इसराइल की हमेशा से ईरान में और जो लबनान है, फ़लस्तीन है, गज़ा है और जो बाकी करीब के मिडिल ईस्ट के मुसलमान इलाके हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट रही है। तो अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही है तो ईरान ने ज़ाहिर बात है अपने आप को प्रिपेयर करना था उस हिसाब से। तो इन्होंने हिजबुल्लाह को रेडी किया, हूती रिबल्स को रेडी किया, हमास को रेडी किया, तो ये ग्रुप इसलिए रेडी किए गए थे और प्लस ईरान ख़ुद इम्पावर इस लिहाज से हुआ। अगर अमेरिका और इसराइल की तरफ से कोई इनको पोकिंग की जाती है, इनको तंग किया जाता है, मुसलमानों को तंग किया जाता है, तो जाहिर बात है इन्होंने रिटेलिएट तो करना है। किस हद तक ये खामोश रहेंगे? और इसीलिए इन्होंने रशिया से भी दोस्ती की, जो हमेशा से अमेरिका और इसराइल को नामुनासिब लगा।